तो अब यहाँ पे देखो, हम कंपेयर करेंगे। ऊपर वाली जो रिपोर्ट है वो वाल्व चेंज करने के बाद है, और नीचे वाली ओरिजिनल इंजेक्टर जो फिटेड आया था कंपनी से उसकी रीडिंग है। ये इंजेक्टर है टाटा अल्ट्रा BS6 का, ये इसका पार्ट नंबर है 2863178CA, और ये कंप्लीट नया इंजेक्टर है। और अभी अभी मैंने जो है पैकिंग में से इसे निकाला है। इसकी नोजल मैं आपको दिखाता हूँ, क्या नोजल भी आप देख सकते हो इसकी, L577। ये नई नोजल है बिल्कुल इसकी। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसकी क्या रीडिंग आती है। ये बिल्कुल अभी तक छिड़ा हुआ नहीं है, कहीं से भी नहीं खुला है। चलिए बॉश के ये इसका एडेप्टर है, इसमें इसे फिट करेंगे। ये हमारी बॉश की EPS 205 है, ओरिजिनल मशीन है बिल्कुल, और इस पे हम इसको टेस्ट करेंगे ताकि ऐसा भी दिमाग में डाउट ना आए आपके कि ये हमने किसी और मशीन पे टेस्ट करके कंपनी स्टैंडर्ड से नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ना हो। इसमें हम ये देखेंगे कि देखिए ये इंजेक्टर को जब हम इस पे टेस्ट कर रहे हैं तो रीडिंग क्या आती है। ओरिजिनल फिटेड है ये इंजेक्टर, पहली बार खुलेगा ये आपके सामने, और जब हम आफ्टर मार्केट का स्पेयर लगाएंगे इसमें तो उसमें क्या जो है क्या चेंजेस आते हैं। तो ये देखो, ये हम टेस्ट चार्ट जो है इसी पार्ट नंबर के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे 2863178CA। ये इसका टेस्ट चार्ट है और इसको हम टेस्ट करेंगे। ये मेन रीडिंग थी, अभी ये 155 आई है। अभी बैक रीडिंग देख लो, बैक की भी आपकी 30-31 सही है। इसमें हम आफ्टर मार्केट का जो वाल आता है ना वो लगा के देखेंगे, ओरिजिनल डेल्फी का, और फिर देखेंगे क्योंकि मास्टर इंजेक्टर है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बदलाव जो है मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें ठीक हैं। क्योंकि अगर ये इंजेक्टर गाड़ी में लगा हुआ है और हमारे पास आएगा तो हम इसका कंट्रोल वॉल ओरिजिनल डाल के इसको मशीन पे टेस्ट कर सकते हैं। बाकी सारी रीडिंग जो है, ये तो मास्टर इंजेक्टर है, नया है बिल्कुल, सब चीज़ें एकदम ओके हैं इसकी, यही अज्यूम किया जाएगा क्योंकि जब कंपनी से बन के आते हैं तो सारी चीज़ें ओके होती हैं। ये जो है ये TL की रीडिंग है, यानी पार्शियल लोड की रीडिंग है।
अब जो चलेगी वो आइडलिंग की रीडिंग है, यानी गाड़ी खड़ी हुई है और स्टार्ट है, उस समय कितना डीजल जो है आएगा वो ये है। ये पायलट इंजेक्शन बहुत कम क्वांटिटी आती है, तो ये हमारी पूरी जो है, चलो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं फिर देखेंगे। जो रिपोर्ट है वो ये बन के आएगी इसकी, इस रिपोर्ट को हम सेव कर लेंगे, ठीक है। इसकी हम फोटो भी ले लेंगे ताकि आपको कंपैरिजन दिखाए। पहला लीक टेस्ट है वो हमने लिया नहीं, इसलिए क्रॉस आ रहा है। बाकी देखो 155, 40, 14 और 2.61। अब अगर दूसरा बॉल डालें और अंतर आई भी तो 2 या 3 cc का अंतर आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम देखेंगे कि कितना अंतर आता है। तो चलो, तो अभी इसको अपन खोलेंगे और इसमें नया वाल फिट करेंगे। खोलो खोलो खोलो, ये है देखो इसका रिपेयर, जो स्पेयर पार्ट है ना ओरिजिनल डेल्फी टेक्नोलॉजीज का 2865902 BS6 और MRP है इसकी 5050, मैन्युफैक्चर्ड है 3 दिसंबर 2022। ये QR कोड है भैया, अगर कोई स्कैन कर सकता है तो स्कैन भी कर ले इसको, तो उससे उसको पता लग जाएगा कि ये ओरिजिनल है। और खोलो इसे, सर निकालना इसे, ये कंट्रोल वॉल निकला है उसके अंदर से। अभी इसका पार्ट नंबर आप देखो, टू एट सिक्स फोर फाइव नाइन जीरो टू डबल एट, ये आपका 3 कट हैं इसमें, 1, 2, 3, और ये फिटेड आया है वही, मतलब मैन्युफैक्चर्ड है ओरिजिनल, उसमें ये लगा हुआ था। इसको रख देते हैं, और ये जो है आपका, जो काम करते हैं अच्छे से वो खूब अच्छे से जानते हैं ये ओरिजिनल की पहचान क्या है और इसका पार्ट नंबर कहाँ लिखा रहता है। 2864-5902 वो है, 5902 डबल ए ये वाली, और ये है आपकी 5902। तो अभी इसको फिट करेंगे और रीडिंग लेंगे। चलो यहाँ पे अभी फिट होगी ये कंट्रोल वॉल, और ये इसकी नॉजल है,
लो। और टॉर्क रिंच से बिल्कुल एग्जैक्ट टॉर्क पे इसको टाइट भी करेंगे। चलो अब इसको भी लगाते हैं दोबारा, फिर देखते हैं। यार एक स्टैंड होना चाहिए, है ना? देख लो आप, ये वही इंजेक्टर है जिसको अभी हम टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सारे नंबर जो है ना वो एक ही इंजेक्टर पे हो सकते हैं एग्जैक्ट, अलग अलग इंजेक्टर पे सेम नंबर कभी नहीं हो सकते। अब उसी टेस्ट चार्ट पे इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हमें मिलता है। लीक टेस्ट हम स्किप कर रहे हैं। सोलह सौ बार का प्रेशर हो गया है। मेन रीडिंग आप देखो, उसमें 155 थी और ये जा रही है 165। उसमें आ रही थी 153, 154, 155। कोई बात नहीं, यहाँ पे 5-6 सीसी का अंतर है, 5-6 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत मेजर अंतर है, उसमें आ रही थी 40 और इधर 11 सीसी का अंतर है, 51 50। यहाँ भी हमको पूरा पूरा अंतर है, वो 2.66 आ रही थी और ये रेड भी हो रहा है और ज़्यादा भी आ रहा है उससे 4.33, जबकि इसमें 0.5 से 1 सीसी का अंतर होना चाहिए केवल। तो अब यहाँ पे देखो हम कंपेयर करेंगे, ऊपर वाली जो रिपोर्ट है वो वाल चेंज करने के बाद है और नीचे वाली ओरिजिनल इंजेक्टर जो फिटेड आया था कंपनी से उसकी रीडिंग है। VL यानी फुल लोड में आपको अंतर जो है, ऊपर आप देखोगे तो 161 आ रहा है, नीचे 155, 5-1 सीसी का अंतर है। TL में ऊपर आप देखोगे 51 आ रहा है और नीचे जो पहले था वो 40 था, तो यहाँ पे जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 11 सीसी का अंतर आ रहा है और
एलएल में आप देखोगे तो एलएल में आपको ऊपर जो वाल चेंज करने के बाद है ऊपर वाली रिपोर्ट में 19.75 सीसी लगभग, और नीचे ओरिजिनली 14 सीसी, तो यहाँ भी 6 सीसी का अंतर है। और पायलट इंजेक्शन में भी आप देखोगे ऊपर जो वाल चेंज किया है उसका 4.29 और नीचे 2.61, लगभग 2 सीसी का अंतर है। ये काफ़ी डिफरेंस है अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमने केवल वाल चेंज किया है वो भी ओरिजिनल। तो सेटिंग में जो आफ्टर मार्केट के लिए वाल मिलता है उसमें देखो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।